ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस असमंजस में है और प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ कुलदीप राठौर ही अध्यक्ष हैं, बाकी पूरी कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सोनिया गांधी ने सबको भंग कर दिया है। विधानसभा में भी कांग्रेस असमंजस में है। ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पालमपुर के ठाकुर द्वार में एक निजी कार्यक्रम में कही। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस असमंजस में है कि प्रदेश कांग्रेस में सिर्फ कुलदीप राठौर ही अध्यक्ष हैं, बाकी पूरी कांग्रेस बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक सोनिया गांधी ने सबको भंग कर दिया है। विधानसभा में भी कांग्रेस असमंजस में है कि ये बात शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पालमपुर में ठाकुर द्वारा में एक निजी कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि नियम 67 के तहत चर्चा मांगी गई थी जो संभव नहीं है। इन्हें मालूम है कि प्रश्नकाल तभी स्थगित किया जाता है जब जनता से जुड़ा कोई मुद्दा हो। नियम 130 में इसकी चर्चा आज हमारे विधायकों द्वारा मांग रखी गई थी। जो कांग्रेस के नेता हैं उनका नाम भी जोड़ दिया गया है, आज चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है त्याग करके चला गया है। विपक्ष चर्चा करना नहीं चाहता है और वह चर्चा से बच रहा है। भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस ने भी अपने समय में इन्वेस्टर मीट करने का प्रयास किया था। उस समय नेता विपक्ष उद्योग मंत्री थे और वे सारे देश भर में घूम रहे थे। उस समय के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह साथ में रोड शो कर रहे थे, लेकिन एक पैसे की इन्वेस्टर मीट नहीं आई क्योंकि वे इसके प्रति गंभीर नहीं थे। कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में कन्फ्यूजन में है और आज तो हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस में सिर्फ कुलदीप सिंह राठौर प्रदेश अध्यक्ष हैं, बाकी टोटल कांग्रेस बूथ से लेकर के प्रदेश तक जो है वो डिफंक्ट है। श्रीमती सोनिया गांधी ने सबको भंग कर दिया है। विधानसभा में भी ये कन्फ्यूजन में है। कल इन्होंने नियम 67 के अंतर्गत इन्वेस्टर मीट पर चर्चा मांगी थी जो संभव नहीं है, इन्हें मालूम है, क्योंकि क्वेश्चन आवर जो है वो सिर्फ उसी स्थिति में सस्पेंड करके बाकी बिजनेस लिया जा सकता है यदि कोई अर्जेंट पब्लिक का जो है काम हो और उसके लिए जो है चर्चा कराना इमीडिएटली जरूरी हो। इन्वेस्टर मीट तो हो चुकी है, आगे ये इसकी इन्वेस्टमेंट चलती रहेंगी, तो इसलिए ये क्वेश्चन आवर को सस्पेंड करके आवश्यक नहीं था। नियम 130 में इसकी चर्चा आज हमारे विधायकों द्वारा मांग रखी थी। इसी में कांग्रेस के जो नेता हैं उनका नाम भी स्पीकर महोदय ने जोड़ दिया, आज चर्चा हो रही है, लेकिन विपक्ष जो है वो सदन त्याग कर चले गए क्योंकि वो चर्चा से भाग रहा है, चर्चा करना नहीं चाहते, उनके पास तथ्य है नहीं। उन्होंने स्वयं भी इन्वेस्टर मीट करने की कोशिश की थी जब वर्तमान नेता विपक्ष इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, सारे देश भर में वो घूमते रहे हैं, उस समय के मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह जिनके साथ रोड शोज वगैरह करते रहे हैं, लेकिन एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं आई क्योंकि ये सीरियस ही नहीं थे। केवल मात्र सैर सपाटे पर 88 लाख रुपए इन्होंने खर्च कर दिया और काम जो है वो कोई हुआ नहीं, इसलिए अब ये उससे जो है एक किस्म सी जिसे कहते हैं ना ईर्ष्या कि मैं नहीं कर सका तो तू क्यों कर रहा है, तू नहीं कर सकता। अभी की इन्वेस्टर मीट में 93,000 करोड़ के MOUs हुए हैं। टोटल MOUs जो है वो ग्राउंडिंग हो जाएंगे उनकी, ये जरूरी नहीं है और हमको मालूम भी है कि नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें 50% भी हो जाते हैं, 125% भी हो जाते हैं, तो हिमाचल प्रदेश की प्रगति में विकास में जो है वो कितना इजाफा होगा ये अंदाजा लगाया जा सकता है, कितना रोजगार उसमें बढ़ेगा। अब जब चर्चा आज हो रही है तो वो चर्चा करने से भाग गए। आज उन्होंने जो 67 में नोटिस दिया फिर से, और वो प्याज के प्राइसेस के ऊपर दिया, लेकिन सदन में उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। सदन में तो ये इन्वेस्टर मीट वाले कुछ और मुद्दे जो है वो उठाते रहे वहां पर, इसलिए इनको ये मालूम ही नहीं है कि हमने चर्चा किस पर करनी है। इनको वास्तव में ना तो अपोजिशन करनी आती है, और ये सरकार तो इन्होंने जो 60 वर्ष तक चलाई है उसके कारण जो है वो देश में जिस प्रकार का माहौल इन्होंने क्रिएट कर रखा था, जिसके कारण सारी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम जो है वो खराब होता रहा है, तो ऐसी स्थिति में मैं समझता हूँ कि आज हिमाचल प्रदेश की जो कांग्रेस है विशेष रूप से वो टोटल कन्फ्यूजन में है। आपस में जो है इनका तालमेल नहीं है, इसलिए ये हाउस में 67 पर जो है वो मुद्दा उठाना चाहते हैं,
चर्चा करना चाहते हैं या वॉकआउट करना चाहते हैं ये भी प्रॉपरली तय नहीं कर पा रहे हैं। 5 मिनट के लिए ये नारे खड़े होकर लगाते हैं, 5 मिनट वेल में आते हैं और उसके बाद सदन से बाहर चले जाते हैं। तो ये लोकतंत्र के लिए जो है अच्छी बात नहीं है। विपक्ष का सदन में होना आवश्यक है।